नमस्कार मित्रों, कर्म और भाग्य की ही बात चल रही है। एक और सुंदर श्लोक महाकवि भर्तृहरि का देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्येव कुर्वता। भैया, कर्मायत्तम फलम पुंसाम, व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, और कर्म जो है, यहां तो कहा है कि बुद्धि ही कर्मानुसारिणी, बुद्धि के अनुसार कर्म होता है। आपका अगर मन शांत है, शुद्ध है, आनंदमय है, तो आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। मन में क्रोध है, मन में आलस्य है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, तो आप अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे। आप किसी ना किसी का बुरा कर बैठेंगे। तो कर्म बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं? नहीं, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। अरे इस चक्कर में मत पड़िए। नीचे कवि कहता है, तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्य कुर्वता। सुधिया, सुंदर बुद्धि के साथ, सुंदर भावनाओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। अर्थात कार्य अच्छे कीजिए, भाग्य आपका अच्छा बनेगा। कर्म के अनुसार बुद्धि और बुद्धि के अनुसार कर्म, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मन और बुद्धि चित्त सब शांत है, तो अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति होगी, और नहीं है तो आपका मन खराब कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। कवि कहता है कि नहीं, विचार करिए, सुभाव्य सुधिया सुविचार्य कुर्वता, काम करने चाहिए। तो कर्मायत्तम फलम पुंसाम, कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म करते रहिए और फल प्राप्त कीजिए, यही जीवन की वास्तविकता है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता जैसा पूरा ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाने के लिए कह दिया कि कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब जो कुछ है वो इसके परिणाम स्वरूप है। कर्म आप नहीं छोड़ सकते हैं, और कर्म जो अपने लिए किया जाए वो कर्म नहीं होता, वो पाप होता है। जो दूसरों के लिए किया जाता है वही कर्म होता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को बताइए, और प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां बहुत कुछ है। वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, सुनिए। अच्छे संस्कारों के लिए यह चैनल बना है। धन्यवाद।